एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं किरण चाही और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे इंटर्नशिप के बारे में कि इंटर्नशिप, फैशन इंटर्नशिप के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन से ऐसे मेन 4 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए फैशन इंटर्नशिप करने से पहले। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई योर फ्यूचर, कि आपको डिज़ाइनिंग करनी है, आपको स्टाइलिंग करनी है या फिर आप मर्चेंडाइजिंग करना चाहते हो, कि एक्चुअल में आपका जो इंटरेस्ट है वो किसके अंदर है। आप स्केचेस बनाना चाहते हो या फिर आपको कैड में बहुत इंटरेस्ट है, आप कैड्स के थ्रू प्रिंट्स जनरेट कर सकते हो। सो बेसिकली सबसे मेजर पॉइंट जो हमारी पूरी लाइफ के लिए होता है जब हम लोग इंटर्नशिप, बेसिकली इंटर्नशिप एक ऐसा पॉइंट है, ऐसी चीज़ है जिससे आप ये सीखते हो कि एक्चुअल में आप फैशन डिज़ाइनिंग में किस चीज़ में इंटरेस्ट रख रहे हो। सो सबसे पहले आपका ये विजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में आप डिज़ाइनिंग ही करना चाहते हो, आपको स्केचेस बनाने हैं, आपको आउटफिट्स में इंटरेस्ट है, आपको स्टाइलिंग में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले आपको अपना विजन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरा स्टार्टिंग में मैंने भी 2-3 जॉब किए हैं तो मैं भी उन चीज़ों से सीखी हूँ। सो एट लास्ट जहाँ पर मैं रुकी हुई हूँ तो मैं मर्चेंडाइजिंग में हूँ और मेरे को मर्चेंडाइजिंग बहुत पसंद है और मैं मर्चेंडाइजिंग करती हूँ। और अगर आपको इस चीज़ के बारे में कुछ समझना होगा तो आप मेरा YouTube चैनल भी देख सकते हो और प्लस आप मेरा Instagram जाके भी चेक कर सकते हो। चेज ड्रीम नॉट मनी। सो क्यों ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है इंटर्नशिप करते टाइम पे? आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे इतना कम अमाउंट मिल रहा है, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप इस चीज़ के पीछे अभी मत भागो बिल्कुल ही। आपको अपना ड्रीम चेज करना है, क्योंकि पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप एक्चुअल में फैशन डिज़ाइनिंग में कौन सी लाइन में बहुत इंटरेस्ट रखते हो। आप ये मत सोचो कि आप अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हो वो आपको बहुत ही कम कुछ पेमेंट कर रहे हैं या चीज़ें दे रहे हैं, क्योंकि आप अभी इंटर्न, एज अ इंटर्न वहाँ पर आप काम कर रहे हो। इंटर्नशिप में आपको हार्डली 4,000, 5,000 या 6,000 ही आपको मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि आपके जो कन्वेंस चार्जेस होते हैं वो इसलिए मिलता है। आप एक तरफ ये चीज़ देखो कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो आप उस कंपनी से चीज़ें सीख रहे हो, आप वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हो एक्चुअल में, तो आप अपने आप को आगे के लिए बिल्ड कर रहे हो, वो कंपनी आपके अंदर अपने आप को इन्वेस्ट कर रही है। सो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो मतलब कि इंटर्न्स को हायर करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, और इंटर्नशिप करते टाइम कभी ये मत सोचो कि ये काम छोटा है ये बड़ा है, नहीं, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको सोर्सिंग का पता होना चाहिए, आपको फैब्रिक्स की डिटेलिंग, एम्ब्रॉयडरीज, आपको मास्टर्स के साथ बैठना पड़ता है, आपको प्रोडक्शन हाउस में घूमना फिरना पड़ता है, सामान को उठा के इधर उधर करना पड़ता है, वहाँ से आपकी ही नॉलेज बढ़ रही है। सो इसको आप बिल्कुल लाइटली मत लो, अपने ड्रीम के पीछे जाओ कि एक्चुअल में आप क्या बनना चाहते हो फैशन इंडस्ट्री। थिंग्स यू नीड टू डू। सो इस पॉइंट के अंदर मैं डिस्कस करूँगी 4 चीज़ों के बारे में जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। सो सबसे पहले एक इंटर्नशिप के लिए क्या बहुत ज़रूरी होता है, रिज्यूमे। एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बहुत ही ज़रूरी है, कोई किडिश मत बनाओ, आप एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बनाओ। एक्चुअल में उसके अंदर आप ये चीज़ें बताओ, आप कौन हो, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपने अपने कॉलेज के टाइम पे क्या कुछ किया है, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, कोई ऐसे वॉलंटियर जॉब्स आपने किए हैं या फिर कॉलेज के थ्रू बहुत सारी चीज़ें, फैशन शो हो गए या एनजीओज में पार्टिसिपेट करना या फिर आप कहीं पे सोर्सिंग करने के लिए गए हो, तो उन चीज़ों को आप मेंशन करो। अपने स्किल्स के बारे में बताओ, किस चीज़ में आप बहुत अच्छे हो, तो रिज्यूमे को बहुत अच्छे तरीके से वेल मेंटेन करो आप। और उसके बाद जो कि सेकंड चीज़ इस पॉइंट में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज़ लाइक अ बैकबोन। जो पोर्टफोलियो है वो आपकी बैकबोन है, वो आपको ये दिखाता है इंटरव्यू के टाइम पे कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप क्या चीज़ में अपने आप को लेके जाना चाहते हो आगे। लाइक आप डिजिटल वर्क में बहुत अच्छे हो या फिर आप स्केचिंग में बहुत अच्छे हो, आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हो, आपका लाइक सोचने का तरीका क्या है, आप फैशन को किस तरीके से देखते हो। उस पोर्टफोलियो के अंदर सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से वेल मेंटेन करो, अपने बेस्ट स्केचेस, अपना बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो में लगाओ, वो बहुत ज़रूरी होता है। सो गाइज
थर्ड थिंग इज कवर लेटर. सो विदाउट कवर लेटर मुझे नहीं लगता है कोई भी लेबल आपको एंटरटेन करेगा, आपको इंटर्नशिप पे रखेगा, कोई नहीं करेगा. कवर लेटर जो होता है एक्चुअल में उसके अंदर आप स्टोरी बताते हो, आप अपने बारे में उसके अंदर लिखते हो, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. सो अगर मेरी कंपनी जो है, मेरे को भी अगर कोई भी किसी को भी हायर करना होगा एज अ इंटर्न, तो मैं ये सारे पॉइंट्स भी की पॉइंट्स है जो कि मैं बहुत ही ध्यान से देखती हूँ, बहुत ध्यान से समझती हूँ मैं इस चीज़ को. और जो फोर्थ पॉइंट है वो है डोंट गिव अप. अप्लाई करते रहो, चीज़ें बनाते रहो, बहुत ज़रूरी है. इन चीज़ों को वेल मेंटेन करो. और एक लास्ट पॉइंट जो इसके अंदर मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो प्लीज़ अपने ईमेल को बहुत अच्छे से करो. सिर्फ अपना पोर्टफोलियो या फिर अपना रिज्यूमे लगा के ऐसे सेंड नहीं कर देना होता है. उसके अंदर आप अपने बारे में बताओ, अपने आप को रिप्रेजेंट करो अच्छे से, सारी चीज़ें. सिर्फ डॉक्यूमेंट लगा के ईमेल कर देना, ईमेल करना नहीं होता है. और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, इंडियन स्टाइल्स में, वेस्टर्न में, कंटेम्प्रेरी में, रीड करो उन चीज़ के बारे में. जितना आप पढ़ोगे उतना आप जान पाओगे इन चीज़ों के बारे में, और उसके अकॉर्डिंग आप कंपनीज़ के अंदर अप्लाई करो. अदरवाइज़ कंपनी आपको कभी एंटरटेन नहीं करेंगी. सो इन चीज़ों का मेन आपको ध्यान रखना है इंटर्नशिप करते टाइम. सो गाइस, सबसे लास्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेजर क्वेश्चन जो रहता है कि इंटर्नशिप्स के लिए कैसे अप्लाई करें. सो आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे डिज़ाइनर, एवरीवन इज़ ऑन इंस्टाग्राम, इन सब जगहों पे, फेसबुक पे आपको मिलेंगे. जब भी कोई हायरिंग होती है तो वहाँ पर हमेशा सारी पोस्ट डलती हैं, सब कुछ होता है. तो आप रेगुलरली फॉलोअप्स लेते रहो, चेकआउट करते रहो डिज़ाइनर्स के पेज को जिनमें आप इंटरेस्टेड हो. बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, इंटर्नशाला हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो अपनी इंटर्नशिप के लिए. और हमेशा जब भी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ ही भेजो, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ. सिंगल सिंगल डॉक्यूमेंट्स मत भेजो आप कभी भी. और आप जितना रिसर्च करोगे उतना आप जानोगे. आप हमेशा ये देखते रहो कि जिस डिज़ाइनर को आप फॉलो कर रहे हो, जो डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो, जिस तरीके का आपकी नॉलेज है, उसी तरीके के इंटर्नशिप में आप अप्लाई. सो गाइज़, ये थे मेन पॉइंट कि आप इंटर्नशिप में जब अप्लाई करोगे तो कौन सी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है. चार मेजर पॉइंट है ये जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है इंटर्नशिप करते टाइम पे, क्योंकि मैं भी एक कंपनी रन करती हूँ. मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिज्यूमे आते हैं मेरे पास जब भी मैं कोई भी इंटर्नशिप निकालती हूँ. तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखो, बहुत सोच समझ के चीज़ें करो, एकदम भाग दौड़ के मत करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल होता है. तो अगर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ के अंदर अप्लाई करो, अच्छे तरीके से अप्लाई करो. फॉलो अप्स ले सकते हो आप उनको, आप बहुत सारी कंपनीज को ईमेल कर सकते हो. आपको बहुत नॉलेज मिलेगी इंटर्नशिप करते टाइम पे, और इंटर्नशिप करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आप इंटर्नशिप नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता है कि आप चीज़ें सीख पाओगे, क्योंकि इंटर्नशिप के अंदर आप बहुत ही बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करते हो, कि आपको डीपली चीज़ों के बारे में नॉलेज होना शुरू होती है, जिसके कारण आगे जाके आप बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो. क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में बहुत ही वेरिएशन है, आप अनलिमिटेड ऑप्शंस अडॉप्ट कर सकते हो. फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप फ्रीलांस भी कर सकते हो, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप इंडस्ट्री में घुसोगे, काम करोगे, इंटर्नशिप करोगे, जॉब करोगे. सो डोंट गिव अप, आप करो अप्लाई. और अगर ऐसी और भी वीडियोस आपको चाहिए होंगी, कोई भी आपका टॉपिक होगा, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हो. और आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी गाइस. थैंक यू, बाय बाय.